बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई मज़ेदार ज़रदा, जिसे बनाना बहुत आसान है और आप बना सकते हैं पहली बार मज़ेदार ज़रदा। बहुत ही मज़ेदार बनता है और ये सबको बहुत पसंद आने वाला है। छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करके आप अपना पहली ही बार में शानदार ज़रदा बना सकते हैं। बहुत मज़े का होता है और सबको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये मज़ेदार ज़रदा, जिसका दाना दाना मीठा है और सबको पसंद आने वाला है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 कप बासमती राइस ले ली हैं, ठीक है। ज़रदा बनाने के लिए बहुत से लोग सेला राइस यूज़ करते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको बासमती राइस से ज़रदा बनाने का तरीका शेयर कर रही हूँ। अच्छे से इसे वॉश करने के बाद 20 मिनट तक आपने भिगो के रख देना है। बर्तन लेना है और उसमें बड़े वाले 2 बाउल पानी शामिल करके थोड़ा सा नमक, इलायची और लौंग ऐड करनी है और अपने कलर के मुताबिक फूड कलर ऐड करना है ज़रदे का, ठीक है। मैंने क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा डार्क कलर पसंद करते हैं ज़रदे का, तो कुछ लाइट कलर पसंद करते हैं, तो ये आप अपने कलर जो आपको ठीक लगे उतना ही आप फूड कलर ऐड कर दीजिएगा। और चूल्हे पे चढ़ा देना है। जब पानी में जोश आ जाए तो आपने शामिल कर देने राइस और उसके बाद 2 टेबल स्पून इसमें आपने कुकिंग ऑयल ऐड करना है। कुकिंग ऑयल हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि चावल जो हैं आपस में चिपके नहीं और निखरे निखरे से बने, ठीक है। ये पॉइंट होते हैं छोटे छोटे से, जिनके ज़रिए आप अपना जो फूड है, खाना है, रेसिपी है, अच्छी बना सकते हैं। चावल में जब एक कनी रह जाए तो हम इसे निकाल लेंगे, आप इस तरह चेक कर लें, ठीक है। चावल थोड़े से सख्त होंगे क्योंकि हम दम देते हैं ना, तो फिर क्या होगा, वो एडजस्ट हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो आपने इस तरह चेक करना है और सारा पानी निकाल लेना है। इसे आप साइड में रख दें, ये हो चुका है डन, ठीक है। अब देखें, आपने बर्तन लेना है, दूसरा 1/4 कप इसमें आपने घी शामिल करना है, ठीक है। घी शामिल करने के बाद आप इसमें, मैंने 3 कप चावल लिए थे तो मैं इसमें 2 कप चीनी शामिल कर रही हूँ, ठीक है। अक्सर लोग 3 कप चावल लेते हैं तो 3 कप ही चीनी शामिल करते हैं, नहीं, बहुत स्वीट हो जाता है, बहुत मीठा हो जाता है, वो खाया नहीं जाता। तो इसमें आपने 3 कप चावल में 2 कप चीनी शामिल करनी है। 1 कप मैंने इसमें मिल्क ऐड किया है, ठीक है, और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है, चीनी को मेल्ट करना है। दूध की जगह आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे से मिक्स करें। चीनी जब मेल्ट हो जाए तो अच्छे से आपने इसे पका लेना है, और जब इसमें एक झाग टाइप का आ जाएगा ना, जैसे झाग बनने लगेगा, देखें अभी हो बनेगा, तो उस वक्त हम इसमें राइस ऐड कर लेंगे। तो आपने इसको पहले अच्छे से पकाना है, शीरा जो होगा ना इस तरह बनाना है, थोड़ा गाढ़ा। ये देखें इसमें झाग आ गया ना, अब हम इसमें, हमारे राइस बॉयल हो चुके थे, बस इस स्टेज में आपने इसमें ऐड कर देने हैं राइस, ठीक है। अब आप इसमें राइस ऐड कर दें और इसे इक्वल कर लें, मिक्स कर लें अच्छी तरीके से, हल्के हाथ से, ठीक है। अच्छे से आपने मिक्स कर देना है और इसे इक्वल करके अच्छे से सेट कर दें। और जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो, इस स्टेज में आप अपने ड्राई फ्रूट ऐड कर दें, ठीक है। थोड़े से बादाम, थोड़े से पिस्ता ले लें और खोपरा ले लें, और टूटी फ्रूटी वगैरह होती है वो ले लें, काजू ले लें, एज योर अकॉर्डिंग योर टेस्ट, और अपने जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसमें ऐड कर दें। मैंने थोड़ा सा खोपरा, काजू और ग्रीन और रेड अशरफियाँ और बादाम मैंने ऐड किए थे थोड़े से, वो मैंने भिगो के रख दिए थे और इसका छिलका उतार लिया था, ठीक है। और इसमें आप खोया भी ऐड कर सकते हैं, खोया ना हो, खुश मिल्क हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाएगा। और इसे आपने 10 मिनट के लिए दम पे रख देना है हल्की आंच पे, ठीक है। और 10 मिनट बाद मज़ेदार शानदार आपका ज़रदा रेडी है।
कितने आसान तरीके से हमने ज़र्दा तैयार कर लिया, और बहुत आसान तरीके से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और आप के घर वाले, मेहमान, फ्रेंड सभी खुश हो जाएंगे इतना मज़े का ज़र्दा खाकर। तो आई होप ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, और जो न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो एंजॉय करें अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शानदार इजी क्विक ज़र्दा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।